और 5:30 पहले जा रहे हैं बत्रा समोसे वाले के, समोसे और ब्रेड पकौड़े वगैरह पैक कराएंगे, फिर हम जा रहे हैं मौसी के घर, बड़ी मौसी के घर चाय पीने। तो मौसी के लिए भी समोसे पैक करा लेंगे और अपने लिए भी। लोग पूछ रहे हैं कि दीक्षा आपकी डाइट का क्या हुआ है। एक्चुअली मेरी गले खराब की वजह से मेरी बॉडी में वीकनेस थी, तो मैं वर्कआउट भी नहीं कर पा रही थी ढंग से, तो मेरे को ये था कि मैं प्रॉपर चीज़ें खा लूँ एंड थोड़ा रिकवर कर लूँ। और फिर अब मसूरी भी जाना है, तो मैंने सोचा कि अब मसूरी के बाद ही वर्कआउट भी कंटिन्यू करूँगी और डाइट वापस से डाइट पे आ जाऊँगी, स्ट्रिक्ट डाइट पे। और इस बार हमारा पूरा ग्रुप ही डाइट करेगा। फेवरेट बत्रा समोसे, 4 आलू समोसे कर दो, 2 मैक्रोनी समोसे कर दो और 2 पनीर ब्रेड। कितने? ये लो। कितनी देर में हो जाएंगे? थैंक यू भैया, चलते हैं मौसी के घर, पीते हैं चाय, मारते हैं गप्पे छप्पे। मौसी की सेवा में समोसे। मौसी की सेवा नहीं है, मैंने अपनी सेवा करी है। मेरे को पेट पूजा की जरूरत थी, तो मेरी सेवा के चक्कर में मौसी के भी भाग जाए। वो तो तू अपने घर जाके भी चाय बना के पी सकती थी, मौसी को न्योता देने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा मौसी से भी मिल लेते, 24 रुपए समोसे के लग गए मौसी के चक्कर में। 24 रुपए नहीं, 130 रुपए। 12 का एक समोसा है ना मौसी, मौसी एक एक समोसा ही खाएंगे। अब ये नहीं पता, उसके अलावा मैं कुछ और दूंगी उनको खाने को, तुम्हारे नाम पे यही आया है 12 और 12 24। सिसरी के यहाँ जा रहे हैं, जाके किचन में चाय बनाएंगे और खुद पियेंगे। फिर समोसों की खुशबू महक मेरी नाक में घुसे जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सिसरी के यहाँ, इंजॉय करते हैं टी एंड विद समोसा। आज सैटरडे है तो जीआई भी घर पे है, उनका ऑफ है, सैटरडे का ऑफ होता है जीआई का। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए चलिए। बहन एक बार चाय का पानी रख जरा, अदरक इलायची डाल के पहुंच रही हूँ मैं। चाय का पानी रख दियो। अच्छा, अब फिर मैं आ रही हूँ चीनी पत्ती डालने के लिए। बीकानेर भी पहुँच गए हम, आई रहे हैं। बीकानेर तक पहुँच गए, वो समोसे लेने में टाइम लग गया ना, वो नौकर गाँव गया हुआ ना, इस वाले को पता नहीं है वो दुकान। अच्छा। बोलो बस, बस पहुँच रही हूँ मैं, पानी रख रहा हूँ, चाय का पहुँच गई बस। हाँ दीक्षा की मेरी, तुम दोनों मियाँ भी पी पियो तो अपनी भी रख लेना, मर्जी है तुम्हारी। ओके, इलायची की खुशबू यहाँ तक आ रही है, चाय अच्छी है। मौसी नमस्ते, मौसी आपकी इलायची की खुशबू यहाँ तक आ रही है। आज कैसे आ रही बहन की मौसी? समोसे खाने का मन था, मैंने कहा मौसी को भी खिला दूँ आज। वो तो तू ही जान रही थी, तेरी माँ नहीं जान रही थी। समोसे ली चाय तो चले जाना, बैठ रहा हूँ अब तो, मेरे को कुछ काम है, खाना पीना चढ़ाना मुझे। चलते हैं फिर, मम्मी भी डिनर विनर बनाएंगी, जाके बस बनाना है इनका। मेरे तो 6 बजे का टाइम है, 6 बजे खा के फिर मेरा कोई मतलब नहीं, कल 11 बजे तक। यो अपनी डाइट आज यू क्या की, ये लोग छूट जाती है सारी तरह ऐसी ना। आ जा तू जब मर्जी मंगा ले, पैसे ले जा। हां ले पैसे मंगा, 1100 रुपए बचे हैं मौसी के। हैं 1100 रुपए बचे हैं, ले लो। 1000 रुपए बोले गई 50। बैक टू होम, रेस्ट रेस्ट रेस्ट। प्लेट पे घी मत लगा, छोड़ दियो, बहुत महंगा चाट दिया। सब चाट जाऊंगी, प्याज नहीं डाले इसमें, पहले घी चाट डाले थे। पनीर, मशरूम, मशरूम ये नूडीला, पनीर गोभी, पनीर का है, मटर आलू सब कुछ। मेरा गाइस एक पनीर, 1,85,000 भी होने वाले हैं। किस पे? टोरेटो पे, टोरेटो पे। गाइस 11:15 पे हो रहा है गोपाल जी के सोने का टाइम। ये ट्रे हमने सोचा था मसूरी लेके जाएंगे, दोनों खाली हो गई हैं। बेचारा नकुल ने दी थी अपनी, मैं भी ये देख रही हूँ कि नकुल ने अपनी दी थी कि वहां लेके निपटा दी, भी निपटा दी हमने। बस ये और ये बचे हैं, बस बाकी सब निपटा दिया हमने। तो फ्रेंड मसूरी जाने की तैयारी करनी है, तो हिटलर हस्बैंड जी का ऑर्डर है, ज़्यादा लगेज नहीं लेना है। तो बैग ढूंढ रही हूँ मैं कहीं, क्योंकि टैक्सियाँ तो लेके नहीं जानी, 2 ही दिन के लिए जाना है, तो ढूंढ लेती हूँ। मेरे को तो याद ही नहीं है मैंने बैग कहाँ रख दिया।
सेफ जगह पे रखने के चक्कर में ज्यादा ही कुछ सेफ हो गया, भूल ही गई कि कहाँ रख दिया मैंने बैग। हे भगवान, बैग निकालने की मेरी जिम्मेवारी है, कोई नहीं लेगा बैग निकालने के लिए। नहीं मन ग्रेट सक्सेस, मिले बैग। तो इससे पहले मैं ट्रिप पे कहाँ गई तब तो मिले नहीं थे ये बैग, सामने ही रखे और मिले नहीं। तो ये देखिए, ये निकाल लिया मैंने तीन बैग, इसको जिसपे कपड़े डालने वो डाल लेगा। और फ्रेंड्स हिटलर हस्बैंड जी को राम लगे, देखो जॉगर लेके आए आपकी बार अपने लिए वो, ये देखो तो चलिए फ्रेंड्स ग्रेट सक्सेस, मिल गए हैं बैग। एक बार नताशा मेरे कपड़े दे दे तो मैं करूँगी पैकिंग शुरू। तो चलिए बस नताशा के यहाँ दिए हुए मैंने अपने आउटफिट्स, तो वहाँ से मिल जाए फिर करेंगे पैकिंग। तो फ्रेंड भाविश को जाना है कुछ शॉपिंग के लिए, तो वो कह रहा है आप भी चलो, तो मैं और दीक्षा देखते हैं दीक्षा जी महारानी जी जाएंगी नहीं जाएंगी, क्योंकि उसको वृत्ति के साथ कहीं जाना है। तो देखते हैं चलते हैं फिर भाविश की शॉपिंग कराने के लिए। दो मैं नहा चुकी हूँ एंड जा रहे हैं भाविश की शॉपिंग के लिए, कल मसूरी निकलना है सुबह सुबह, सर जी को आज शॉपिंग याद आ रही है और उसमें भी दीक्षा साथ, उसके पास टाइम नहीं है। तो आज भी जा रहे हैं नहीं जा रहे उसकी शॉपिंग के लिए? कोई बात नहीं, बेचारे को जब टाइम मिलेगा तब जाएगा वो। तो फिर बाकियों को तो ना बांधो ना, है ना। निकू मुकेश है वहां पे, तो घर की चाबी किसको देंगे? बहुत रेयरली सुनते होंगे भावेश की शॉपिंग। निकल चुके हैं भावेश की शॉपिंग, टुडेज टाइटल इज भावेश की शॉपिंग, जो कि दो तीन साल में एक बार होती होगी। नहीं हर ट्रिप पे होती है, ये बात तो रहने दे। मैं तो भावेश की दुखती नस पे हाथ रखती थी कि दो तीन साल में एक बार होती है। धोती पहले दो तीन साल में एक ही बार है। लो निकू, अभी मैरून टी शर्ट और पिंक लाया था, कास्ट कौन से ट्रिप पे गया था? अभी जो ट्रिप पे गया था इससे पहले कौन सी? वो तो टी शर्ट खत्म हो गई थी, गल फट गई थी, वो लाया था। शॉपिंग है, शॉपिंग है, शॉपिंग तो शॉपिंग है। टी शर्ट गल के फट चुकी, इतनी धोई है इतनी पहनी है, गल चुकी, गल के फट गई, उसके बाद मैंने खरीदी। दीक्षा और राखी जी की जगह भावेश को गिफ्ट दिया करो गाइस। बेचारा भावेश बेचारा मना करता है, माँ मत दो मत दो, धो धो के गला गला के फाड़ दी माँ ने शर्ट। सारा दोष है माँ का, सारा दोष है ही माँ का, सारे पाप करती माए। सो गाइस लेंगे मैगी पास्ता वगैरह रिवर साइड आराम से बैठ के खाने के लिए, अंगीठी जला के। एंड बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, बट हम नहीं पता प्रॉपर्टी में क्या करेंगे घर वालों के साथ। मम्मी ने धुले कपड़े एक बार धो दिए, पता तेरे को बात? धुले कपड़े बेड पे धो के इन्होंने कपड़े रखे थे, वो ना प्रेस में गए ना मैंने उठा के रखे। निकू इनको दो दिन बेड पे रखे हुए दिखे इनको दो दिन। निकू ये जीन्स तेरी पहन ली तुमने दो तीन बार, गंदी हो रही है, मैं धो रही हूँ, उठा के इन्होंने धो दी। ओ मम्मी धुली हुई जीन्स। मम्मी क्या, तभी तो मैं कहूँ इतनी जल्दी जल्दी सर्फ कैसे खत्म हो जाता है। कब खत्म होता है, कितने महीने खत्म होता है? भाविश पॉपकॉर्न भी ले लेंगे। मैं पूछ रहा हूँ कितने महीने में लाती है जो खत्म हो जाता है? पता नहीं, मेरे बर्तन खराब नहीं जरूरत है रिवर साइड पे। दो तीन बर्तन लेना, कलछी ले लेना और डिस्पोजेबल ले लेना। लाइफस्टाइल में मैं पता है चलता तो वहां से ले लेता कपड़े। 3000 वाला डायलॉग बोलना। अरे रोहिणी मैं भी शॉपिंग करूंगी, मेरे भाई ने बोला तेरे को भी कुछ लेना हो तो ले लियो। मेरे को बोला था तेरे को, इसने मुझे सुबह बोला है मेरे रूम में आके। सुबह बोला था, सुबह की स्कीम थी वो, बारह बजे से पहले की। सुबह की स्कीम थी बताऊं अभी तेरे को, खाने के चोच लेगा तू आ गई छुट्टी 12 बजे से पहले की स्कीम थी। लाइफस्टाइल और मैक्स भी होगा, लाइफस्टाइल बहुत महंगा है भाई, हम गरीबों के लायक नहीं है। 3000 की मेरी गाउन आई थी वहां से मजबूरी में लेके आई, साइज नहीं होता ना। बेटा कह रहा है मैक्स से कुछ भी ले ले, फिर कह रहा है, मैंने कहा ठीक है, तो कह रहा है 500 रुपए तक। क्रॉक्स भी है यहाँ पे तो है ही वो, तो मुझे पता था हम तो वहाँ थे। कहाँ जाते थे हम पैसिफिक, कौन सा पैसिफिक जाते थे? पैसिफिक से तो लाए हैं क्रॉक्स हर बार, ज्यादा मजा नहीं आया, गंदी लग रही है, फेडेड फेडेड। ये बढ़िया लग रही है यार, तूने पहनी है? कोई किए थे ये वाली? ये सच में बहुत अच्छी लग रही है, अभी तक फर्स्ट और ये अच्छी लगी है।
ये दोनों पहनेंगे। भविष्य के सेक्शन से हम करने जा रहे हैं अपने यहाँ ट्राई। ऊपर करना है नीचे करना है? चलो ऊपर की स्टेयर से ऊपर ही कर लेते हैं। कर लिए शॉपिंग,